मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट से देश की आम जनता को खासी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि इस बार का बजट देश के मिडिल क्लास तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि कई लोगों के लिए यह बजट ठीक ठाक लग रहा है तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने इस बार भी अन्नदाताओं और मध्यम तबके को अनदेखी की है। अब तक के बजट में यह सामने आया है कि जिस लोन की सीमा पहले 7.5 लाख थी उस लोन को ₹10 लाख कर दिया गया है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन में रियायत दी गई है। लेकिन इसी बीच ये जानना जरूरी है कि आने वाले समय में कौन सा सामान सस्ता होगा और कौन सी चीजें महंगी होंगी। इन मामलों पर देश में भी सबसे ज्यादा फोकस रखा जाता है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व में लगातार खराब होते हालातों से वैश्विक महंगाई में खासा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और यह करीब 4% के दायरे में है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब महिलाओं के साथ किसानों को केंद्र में रखकर इस बजट में कुछ जरूरी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स में या तो कमी की गई है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। ये कीमतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरकार ने इस बार के बजट में सोने चांदी की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है। यानी आभूषण सस्ते होंगे, सोने चांदी में 6% तक कस्टम ड्यूटी कम होगा। वहीं प्लेटिनम धातु पर 6.4% कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। मोदी सरकार ने कैंसर की 3 बड़ी दवाओं से कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है। वहीं मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते हो गए हैं। सरकार ने इनमें से 15% तक ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा लेदर से बनी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने इसके अलावा 25 खनिज सामग्रियों पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने देश में इंपोर्ट घटाने के लिए 10-25% कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया है। सरकार का मकसद है कि उत्पादन देश में हो और चीजों के लिए दूसरे देशों की निर्भरता को कम किया जा सके। वहीं सरकार ने किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों में उच्चतम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। यानी कि फसलों की खरीद फरोख्त पर जो भी लागत आएगी उसमें 50% मार्जिन मिल सकता है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। बहरहाल बजट की यह चीजें आपको कैसी लगी और आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।